नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जनपद के पैलानी बड़ागांव स्थित महादेव मंदिर में विशाल मेले एवं दंगल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जनपद के पैलानी क्षेत्र में बड़ागांव महादेव डेरा में लगा भव्य मेला तथा दंगल का आयोजन हुआ। ग्रामीणों के अनुसार कई पीढ़ियों से चला आ रहा है मेला। कुश्ती में महिला तथा पुरुष पहलवानों के दंगल का आयोजन गोवा से आए मेले के आयोजक सागर सेठ तथा राज्यसभा सांसद विश्वभर प्रसाद निषाद ने फीता काटकर कुश्ती का आयोजन किया। मान्यता है कि भगवान शंकर की मूर्त अपने आप इस गांव में विराजमान हुई है। कई पीढ़ियों से यह मूर्ति विराजमान है। इसी तरह भव्य मेला कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के दिन आते हैं और अपनी भगवान शंकर से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और पूर्ण करने के आशीर्वाद मांगते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक सागर सेठ गोवा से आए हुए सभी मेले में आए श्रद्धालु का धन्यवाद करते हैं। साथ ही पूर्व विधायक दलजीत सिंह के भतीजे आलोक सिंह, पूर्व मंत्री अच्छेलाल निषाद, विश्वभर प्रसाद राज्यसभा सांसद पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यहां पर दंगल के आयोजन में भाग लेने अलग अलग राज्यों से पहलवान आकर सम्मिलित होते हैं और भाग लेते हैं। जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार आदि राज्यों से बड़े बड़े भाग लिया करते हैं और विजेता पहलवानों को उचित पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ग्रामीणों की मान्यता है कि महादेव का बहुत ही पुराना मंदिर है। यहां कई पीढ़ियों से लगातार मेले एवं दंगल का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद विश्वभर प्रसाद निषाद, पूर्व मंत्री अच्छेलाल निषाद, आयोजक सागर सेठ सहित हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और मेले व दंगल देखने के लिए भारी संख्या में हुजूम उमड़ा। आयोजित किया गया है तेलन बाबा की बड़ागांव की धरती पर ये ऐतिहासिक पौराणिक दंगल लगता है। इसको दंगल कमेटी के लोगों ने हमेशा की भात आज लगाने का काम किया है और इससे क्षेत्रीय पहलवानों को बढ़ावा मिलता है। पहले हमारे घर घर पहलवान हुआ करते थे। नांग पंचमी के दिन से जो है लोग खेतों में जो है कुश्ती लड़ते थे और दशहरा दीपावली तक जो है अपनी आजमाइश किया करते थे और गांव से निकल करके पूरे देश प्रदेश में जो है का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सागर कश्यप नाम है और हम बड़ागांव के निवासी हैं और हम व्यवसायिक हैं और व्यवसाय हमारा गोवा में। और भी यहाँ पे तमाम पहलवान उपस्थित हैं। महादेव जी का जो देवस्थान है मैं चाहता हूँ कितनी पीढ़ियों जैसे मौका लगे एक आध बीच में भी भक्ति और श्रद्धा के साथ ये आयोजन करवाते हैं। हर तरह का सोचते हैं मैं चाहता हूँ मेला को सफल बनाए और आए हुए दूर दराज के जितने भी हमारे दर्शक हैं सबकी व्यवस्था मिल सके। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।